बात करिए गांधीनगर में कराई पुलिस अकादमी में पुलिस संभारणा 2023 संदर्भित कार्यक्रम योजायो जेमा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल राज्य मंत्री हर्षद भी हाजर रहा था। दर वर्षे 21 ऑक्टोबर नो दिवस पुलिस संभारणा दिवस तरीके उजवाय छे। शहीद पुलिस जवानों की स्मृति में पुलिस संभारणा दिवस की उजवणी करवामां आवी हती। त्यारे आ वर्षे पण कराई पुलिस अकादमी में उजवणी करवामां आवी। आ प्रसंगे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ते पुलिस कर्मचारियों ने संबोधन कर्यू हतुं। तेमणे जणाव्युं के 1959 में चीन में थयेला गोळीबार में अनेक पुलिस कर्मीओ शहीद थई गया जेमना पूरा सन्मान साथे अंतिम संस्कार करवामां आव्या। त्यारथी 21 ऑक्टोबरे देशभरमां पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनावामां आवे छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले जणाव्युं के हुं गुजरातना नागरिको वती पुलिसना जवानोने वंदन करुं छुं। तेओ फरज बजावता वखते हर हमेश साबे व्यक्तिनो ज विचार कर्यो छे। तेओ वार अने त्यौहारमां पोताना परिवारना साथे रहेवाना बदले बीजाना परिवारनी सुरक्षा माटे सतत काममां रहे छे। गमे तेवी आपत्तिमां पण लोकोनी मदद माटे हर हमेश तैयार रहे छे। काम करवा માટેની છૂટ આપી છે કે ખૂબ સારી રીતે કામ કરતા રહો। અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગુજરાતમાં શાંતિ અને સલામતીના કારણે થઈ અને આજે ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે। અને ગ્રોથ એન્જિન બનવા પાછળ જો કોઈ મોટું યોગદાન હોય તો એ પોલીસ કર્મીનું છે। આજે દરેક જણ વેપાર ઉદ્યોગથી માંડીને ગ્લોબલી પણ જે વેપાર ઉદ્યોગ અહીંયા આવી રહ્યા છે તો એ લોકો માટે પણ આ એક મોટી व्यवस्था जेने कहवा गुजरात में शांति सलामती कारण दरेक जन गुजरात में आवा इच्छी रहे। आज पुलिस शहीद स्मृति दिवस है। वहली सवार कार्यक्रम हो अर्धी रात सुधी नवरात्रि बंदोबस्त में पुलिस जवानों पोता समय आपता हो वहली सवार तमारा बधाना ज बालको स्कूले समयसर पहोंचे ते माटे ट्राफिक नी व्यवस्था होय के बीजा बंदोबस्त नी व्यवस्था होय कारे आ प्रकारनी चिंता कर्या वगर आ राज्यने तमाम रीते सुरक्षित राखवा माटे आपणा पोलीसना जवानोनुं सौथी महत्वनुं योगदान छे। आपणे कोरोनानो समय जोयो छे के डॉक्टर हॉस्पिटलोमां ज्यारे दर्दीओनी सेवा करता होय त्यारे डॉक्टरो अने हॉस्पिटलनी व्यवस्थाओने कोई भी प्रकारनी खलेल ना पहोंचे તે માટે આપણા રાજ્યના એક એક પોલીસના જવાનોએ ડોક્ટર જોડે ખભે ખભા મિલાવીને હોસ્પિટલથી લઈને આ રાજ્યના તમામ લોકોની સુરક્ષા માટે પોતે